कुछ कमी है। कमी क्या है कि जब आप यूज़र को देंगे कोड, तो वो कोड थोड़ी देंगे आप क्या देंगे, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे, वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो उसको नहीं पता कि इस प्रोग्राम में विंडो आने के बाद क्या करना है। तो आप क्या करिए, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखिए। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, एंटर आ वैल्यू इन किलोमीटर। इस तरह जब हम लिखेंगे तो यूज़र को समझ में आएगा कि हम वैल्यू को किलोमीटर में ले रहे हैं, तो वो 1 किलोमीटर में वैल्यू को देगा। और जब आप प्रिंट कराएं तो लिखिए यहाँ पर परसेंट डी, यहाँ पर हम किलोमीटर की वैल्यू लेके आएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर कॉमा इक्वल टू इतने मीटर। अब देखिए क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले परसेंट की जगह पर क्या आएगा, किलोमीटर की वैल्यू आएगी। मान लीजिए 48 दिया, तो 48 इक्वल टू यहाँ पे परसेंट की जगह क्या आएगा, एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 48,000, तो 48,000 मीटर। इस तरह से प्रिंट होगा। रन कराते हैं प्रोग्राम को। अब देखिए प्रॉपर अच्छा लग रहा है, एंटर आ वैल्यू इन किलोमीटर, हमने वैल्यू दी 45, एंटर प्रेस किया तो 45 इज इक्वल टू 40,000 मीटर। यहाँ पर भी अभी गलती है, यहाँ पे हमें 45 किलोमीटर भी लिखना चाहिए था, 45 किलोमीटर इज इक्वल टू 45,000 मीटर, तभी सही होता। तो यहाँ पर हम अपनी गलती सुधारते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया किलोमीटर, किलो मीटर इज इक्वल टू, रन कराते हैं। अब वैल्यू देंगे हम 12, तो क्या आएगा, 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 12,000 मीटर। अब देखिए, अब लग रहा है ना कि आपने कुछ प्रोग्राम लिखा, अगर आप अच्छी तरह से उसमें नोटिफिकेशन देंगे कि कब क्या करना है, अब क्या रिजल्ट आया, तो अच्छा है, नहीं तो प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा यूज़र को कि आपने क्या करवाना चाहते हैं, किस समय पर आप किस वैल्यू की डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यूज़र वैल्यू किसी में भी दे सकता है, वो चाह सकता है कि 3.5 किलोमीटर को, जैसे यहाँ पर उसने दिया 3.5 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो प्रोग्राम क्या करेगा, 3 किलोमीटर को 3,000 मीटर दे देगा, जो कि यूज़र नहीं चाहता था। तो इसीलिए हम इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी ये जो वैल्यू लेते हैं, इंटीजर में ना लेके फ्लोट में लेते हैं। हमने फ्लोट में वैल्यू ली, तो अब जो वैल्यू स्कैन कराएंगे वो फ्लोट टाइप में कराएंगे, और उस फ्लोट टाइप की वैल्यू को हम प्रिंट भी कैसे कराएंगे, फ्लोट टाइप में प्रिंट कराएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। देखिए 45.9, किसी ने दिया 45.9 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए 45.9 किलोमीटर इज इक्वल टू 45,459 हंड्रेड किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम काम करेगा। अब आपको समझ में आया कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को अच्छा लिख सकते हैं और किस तरह से हम फॉर्मूला बेस्ड, देखिए टोटल फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम था, यहाँ पर आपने सिर्फ फॉर्मूला दिया और उसने काम किया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप डिग्री को फॉरेनहाइट में चेंज करने का प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला बेस्ड कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व कीजिए। राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस कैरेक्टर। ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए आपके कीबोर्ड में जो लोअर केस कैरेक्टर होते हैं ये रहे, देखिए ए एस टी एफ, ये सभी कैसे हैं, लोअर केस हैं, लेकिन जब आप शिफ्ट बटन दबाकर काम करते हैं तो ये सभी पैरामीटर, ये सभी अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। तो हमारा यही काम है, हम क्या चाहते हैं कि कैपिटल यूज़र क्या देगा, लोअर केस लेटर देगा हमको, और हम उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दें। तो हम कैसे इस काम को करा पाएंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हर कैरेक्टर की एक आस्काई वैल्यू होती है, आपको वो आस्काई वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कीजिए आप उसकी आस्काई वैल्यू पता लगा लीजिए। क्या करेंगे आप, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लीजिए सी, सी को आप खुद से एक वैल्यू दे दीजिए कैपिटल ए, और एक और लीजिए डी, उसको आप वैल्यू दे दीजिए स्मॉल ए। तो आपको दोनों की आस्काई वैल्यू पता लग जाएंगी। आस्काई वैल्यू पता लगाने के लिए आप क्या कीजिए, प्रिंट एफ में जब आप स्टेटमेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे तो बजाय परसेंट सी देने के आप परसेंट डी दे दीजिए। तो परसेंट डी हम दोनों तरफ देते हैं, कॉमा, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं हम, सी का और ए की, सी की और डी की आस्काई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर सी क्या है, कैपिटल ए, और डी क्या है, स्मॉल ए। तो हमें कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू मिल जाएगी और स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू मिल जाएगी। रन कराते हैं प्रोग्राम को, देखिए।